हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हर एक स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम होती है कि वो पढ़ना तो चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पाता है। वो चाहता है कि मैं घंटों समय दूं जैसे बाकी के स्टूडेंट का। वो सुनता है कि लोग इतने इतने घंटे पढ़ाई करते हैं, दिन दिन में पढ़ते हैं, रात रात पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ूं। लेकिन जैसे ही वो पढ़ने बैठता है, कुछ ही देर अभी समय बीता हुआ होता है, उसको एकदम से वो चीज भारीपन सा महसूस होता है। दिमाग उसको लगता है कितना थक गया मेरा दिमाग। अब ये पढ़ाई जो है ना, दिमाग के ऊपर से जा रही है, दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप किताब पढ़ रहे हैं लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान कहीं और जा रहा है, बाकी चीजों में इंटरेस्ट है। आपको ये होता है ना कि जल्दी से मैं पढ़ाई फिनिश करके ये काम करूं, आपका पूरा ध्यान कहीं और रहता है। कैसे क्या करें कि आप घंटों की पढ़ाई कर सकें, लगातार बैठ सके और आपको बड़ा इंटरेस्ट भी आए, ऐसा नहीं कि बोझ सब महसूस हो, बहुत घंटे पढ़े और आपको ये लगे कि मतलब मैं अपनी मर्जी से बैठा हूं, मुझे और पढ़ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई थकावट नहीं है। ऐसा तो सबके साथ होता है कि दिक्कतें आती हैं, लेकिन मेरे साथ भी था। तो मैंने क्या किया कि मैं लगातार पढ़ती रहती थी और फिर मुझे बीच में ऐसा कहीं से महसूस नहीं होता था कि मैं बीच में उठूं। तो इसके पे मैं बात करूंगी। लेकिन जानते हैं दोस्तों, क्या होता है ना, कभी कभी अपने दिमाग में हम एक चीज सेट कर लेते हैं। हमको ये लगता है ना कि हमारा एक दायरा है, हमारी दुनिया बड़ी सीमित से, इतनी जितना हमको दिखाई देता है ना। और दिखाई क्या देता है, जहां हम बैठे हैं, हमारा घर परिवार, दीवारों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बात मैं उनकी कर रही हूँ कि कुछ लोग जो हमारे मतलब जान पहचान के होते हैं और वो हमको कुछ अच्छा बोल दिए, कुछ खराब बोल दिए, हम वहीं तक घूम फिर के रह जाते हैं। इससे बड़ा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, उससे बाहर निकल के कुछ बहुत बड़े लेवल पर हम सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम तो बहुत मामूली से इंसान है, हम तो ऐसे इंसान है जिसकी इतनी ही दुनिया सीमित है और हम उसी में उलझ के, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे मुझे लोग छोड़ के क्यों जाते हैं, मेरे साथ बुरा क्यों होता है, हम इसी में उलझ के रह जाते हैं। तो बस अब वक्त आ गया है, बहुत आपने सोच लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब वक्त आ गया थोड़ा बड़ा सोचने का। और मैं एक चीज बताऊं आपको, आप जैसे भी नेचर के हैं, जैसे भी स्वभाव के हैं, अपने आप को बदलना बहुत ही आसान होता है। जैसे मैंने कहा ना कि पढ़ाई करते हैं जो आप लोग, तो बहुत घंटों तक नहीं बैठ पाते हैं, तो इस चीज को बदलना आपके हाथ में, वो भी चुटकियों का काम है, ये जान लीजिए। कैसे मैं बताती हूँ, आज मैं जो आप लोगों को दिखती हूँ, जैसा भी दिखती हूँ कि मैं आप लोगों से ऐसे बात कर पाती हूँ, आप लोगों को यही लगता होगा दीदी बहुत बोल्ड है ना, दीदी बहुत ही ब्रेव है, स्ट्रांग है, आप लोग के मैसेज ऐसे आते हैं मेरे पास। लेकिन एक टाइम था ऐसा, मैं शुरू से बता रही हूँ, बचपन से बता रही हूँ, मैं ऐसे स्वभाव की थी कि मैं किसी के सामने जाना नहीं पसंद करती थी। यहाँ ये लगता था ना कि कोई अगर आया है मेहमान तो मैं जाऊंगी तो मुझे उससे बोलना पड़ेगा, पैर छूना पड़ेगा, इसीलिए मैं भागी रहती थी, किसी का सामना ही नहीं करना चाहती थी कि किसी से मैं बात, इतनी शर्मीली स्वभाव की। हाँ, मुझे शौक था हर चीज करने का, स्टेज पर परफॉर्म करने का, स्कूलों में कॉलेज में हमेशा करके आई हूँ, लेकिन स्टेज पर चढ़ते मेरे हाथ पांव कांपने लगते थे, मैं ऐसे स्वभाव की थी। बहुत सारी चीजें जो थी पढ़ने में, मेरा भी एकदम से ये था ना कि पढ़ाई करने में बैठती थी दिमाग कहीं और था, ये रहता था जल्दी से पढ़ाई खत्म करे, कहीं और था बाकी चीजें। तो अपने आप को बदलना कहीं से भी कठिन काम नहीं होता है। और एक चीज जान लीजिए कि मुझे अकेले निकलना बाहर, मतलब हर एक चीज में, ऐसी लड़की जो घर में रहना पसंद करे, मुझे ऐसा था। लेकिन समय ने ऐसा बना दिया कि मुझे हर काम अब अकेले ही करना पड़ता है, हर एक चीज खुद ही मैनेज करनी पड़ती है। और खुद से ही ये समझना पड़ा कि मुझे पढ़ना है, खुद से ही ये हुआ। ये जानते हैं कैसे हुआ? सबसे बड़ी बात है ना, देखिए मैं बहुत आलसी स्वभाव की हूँ। अब आप लोग से मैं ये बात कहूंगी तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, अरे आप तो इतना मेहनत करती हैं, आप कहाँ से आलसी हो गई। मैं बहुत बड़ी आलसी स्वभाव की हूँ आज भी, आज के डेट में भी ना। जैसे मेरी राशि ही ऐसी है, वृषभ राशि है, मेरी मम्मी कहती है कि ये बैलों की राशि होती है और इसमें मतलब आपको वही वाले स्वभाव होते हैं, आपको आराम पसंद है, ये उस हिसाब से मेरी मम्मी कहती है ऐसा। लेकिन ये तो सही बात है कि मुझे अगर आज भी मौका मिले तो मैं बहुत सोऊंगी, मुझे बिल्कुल भी पढ़ना पसंद नहीं है, बिल्कुल भी कोई काम करना पसंद, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई कर करके दे तो बहुत अच्छा है। लेकिन सब उसके उल्टा हो गया, सब उसके विपरीत हो गया, मुझे सब कुछ करना पड़ा, मुझे पढ़ना भी पड़ा, पढ़ाई भी, मुझे मेहनत करना नहीं पसंद था लेकिन वो भी करना पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने अपने दिमाग में एक छोटी सी चीज लाई, और वो जानते हैं क्या है, मैंने कभी भी इस चीज पर फोकस नहीं किया कि अगर ऐसा नहीं होगा, मतलब अगर मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, मैं पढ़ तो रही हूँ, मेहनत तो कर रही हूँ, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर मेरी दुनिया उजड़ जाएगी, मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा। हमेशा ये चीज दिमाग में आती थी कि अगर हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो उसके बाद का मंजर क्या रहेगा, और अगर नहीं हुआ तो उसके बाद का क्या होगा। नहीं, जब हो जाता है सिलेक्शन, मैं वो सोचती थी तो ये लगता था सारे चारों तरफ खुशियां खुशियां, मेरी पूरी दुनिया ही बदल चुकी है, जो कि वाकई में ऐसा है। आप लोग देख सकते हैं कि मैं कोई भी काम अब अपने ऊपर मैं हूँ, डिपेंड हूँ, अपने हिसाब से मैं कर लेती हूँ, पूरी दुनिया बदल जाती है वाकई में। आप अगर सफल हो जाते हैं, पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन है और बहुत बड़ी जरूरत भी है। तो
और मैं तब ये भी सोचती थी अगर नहीं हुआ तो मेरे दिमाग में अपना जीवन एकदम से उजड़ा हुआ महसूस होता था। ये लगता था कि लोग तो मुझे जीने ही नहीं देंगे जो बाकी लोग अभी पीछे पड़े हुए हैं। फिर तुरंत मैं वहां से ध्यान हटा लेती थी कि मुझे वो चीज सोचना ही नहीं, वो तब की तब देखेंगे। हम कहीं से भी मन में ये नहीं लाएंगे, जैसे आप लोगों के मन में निगेटिव आता है ख्याल कि ये वैकेंसी बहुत देर में आ रही है, इतने साल से रुकी हुई है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एक होता है ना कि एक वजह खोजते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए। ये चीज मैं नहीं लाती थी उस टाइम में, बस दो चीज सोचती थी, अगर हो गया तो सिचुएशन क्या होगा, नहीं होगा तो क्या सिचुएशन होगा। तो नहीं होने वाला सोच के मेरी रूह कांप जाती थी कि नहीं मुझे पढ़ना है। और मैं कहता ही फिर बहुत ज्यादा मैं इतना नहीं लगाती थी कि अब उस यही सोचते रह जाए, मेरे दिमाग में तुरंत ये चीज आता था कि अगर नहीं होगा तब की तब देखेंगे, फिर क्या करना है तब की तब देखेंगे। लेकिन मैं दिमाग में यही लेके चलती थी कि यही मेरा आखिरी मौका है, मुझे सफल तो होना है, किसी भी कीमत पे सफल होना है, किसी भी कीमत पे। तो ये जान लीजिए, जब आप ऐसा सिचुएशन लेके चलेंगे, अपने दिमाग में ये चीज लेके चलेंगे, तो आप घंटों पढ़ेंगे और आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि आप थक चुके हैं। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका मैंने आप लोग बताया था कि आप थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके उस पर नेट पर भी थोड़ा सा वही टॉपिक आप नेट पर गूगल पर सर्च करिए आपको मिल जाएगा, वहां पढ़िए थोड़ा सा, यूट्यूब पर सर्च करिए आपको हो सकता है कि वो पिक्चराइज ऐसा कुछ हो वो आपको मिल जाए इंटरेस्टिंग बनाने का। और जब भी किसी के विषय में पढ़िए तो एकदम ऐसा रम जाइए उसमें, उस कैरेक्टर की जगह वो जो लेखक है या कवि है जिसके विषय में पढ़ना है वहां पर अपने आप को रख दीजिए। और या तो ऐसा सोचिए कि मैं वहां बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, ये सारी चीजें उनके विषय में सब कुछ एक पिक्चर आपके सामने आना चाहिए कि हाँ ये सारी चीजें मेरे सामने हो रही हैं। तो बस अगर ऐसे इंटरेस्ट इतना घुस के पढ़ेंगे उसी में, जो पढ़ाई कर रहे हैं एकदम एक लाइन को आप कम से कम दो बार तीन बार दोहराइए, समझ समझ के पढ़िए तब आगे बढ़िए। जब तक आप एक लाइन समझ ना जाए, याद करने की मैं बात नहीं करूँ, याद नहीं करना आपको, जब तक आप एक लाइन समझ ना जाए तब तक दूसरी लाइन पे आगे मत बढ़िए। और जहां ही आपने एक इतना पढ़ा, एक पैराग्राफ आपने पढ़ा, फिर आप पहली लाइन पे आ जाइए, थोड़ा सा उसको दोहरा लीजिए, फिर आगे बढ़िए, थोड़ा सा इतना पढ़ा फिर पहली लाइन पे आ जाइए, उसको भी दोहराइए, दूसरे को भी दोहराइए, फिर आप आगे बढ़े, कुछ पैराग्राफ पढ़े आप, ठीक है तीसरा पढ़ लिया, उसको भी एक बार दोहरा लीजिए, फिर पहले दूसरा तीसरा सब दोहरा लीजिए। इस तरह से कभी कभी लाइफ में दोस्तों यही होता है, हमेशा होता है, हम लोग करते हैं ये चीज कि हमेशा हमें थोड़ा सा पीछे होके आगे बढ़ना पड़ता है। गाड़ी जब हम बैक करते हैं, मैं अपनी बात बता रही हूँ, अभी जल्दी मैं गई थी गोलघर अपने गई थी मार्केट करने गई बर्थडे का, तो वहां पे आपको पता है कि जो मतलब रोड है वहां से नीचे जहां आप सब लोग गाड़ी अपनी टू व्हीलर खड़ा करते हैं गड्ढा होता है थोड़ा सा, जो कच्ची जमीन होती है साइड में लगाने के लिए, तो मैंने वहां पर खड़ा किया था। अब पीछे की जो सड़क थी वो ऊंची थी ऐसे, तो अब गाड़ी जब बैक करेंगे हम लोग को तो उतनी ताकत होती नहीं है, जेंट्स लोग एक ही बार में कर लेते हैं, हम लोग को तो होती है चढ़ी नहीं पा रहा है। चारों तरफ से लोग देखते हैं कोई हेल्प के लिए आता भी नहीं है जल्दी, जान लीजिए। हाँ कुछ सज्जन होते हैं जो पीछे से खिंचवा देते हैं गाड़ी को, लेकिन क्या करना पड़ता है, अपना दिमाग काम करता है कि भाई गाड़ी को थोड़ा सा और आगे लेके गए और बड़े फोर्स में लेके आए और पीछे कर लिए, एक झटके में हो गया। तो हमेशा अपने जीवन में भी जब हम आगे पीछे थोड़ा सा करके एक झटके में आगे बढ़ते हैं, तो इसी तरह से पढ़ाई में भी करने की जरूरत है कि आप जैसे आपका फ्लो चल रहा है, अगर चीजें बहुत फ्लो में चल रही है फिर लेकिन कहीं से गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए, क्या आपने पढ़ा था रिविजन करिए, फिर झटके से आगे बढ़िए। मतलब आपको थोड़ा सा रुकना भी पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे भी करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हमें अपने अंडरस्टैंडिंग से करनी पड़ेगी। आप कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, बस इतना जान लीजिए कि मुझे इतने देर पढ़ना है, ये टॉपिक तैयार करना है, जब तक ये टॉपिक तैयार नहीं होगा कितने भी घंटे हो जाएंगे मैं नहीं उठने वाली हूँ। हाँ काम है, ठीक है काम करूंगी, मुझे तो आज के डेट में 12 बजे से पहले या रात में जब भी आप आइए कि इतने बजे से पहले मुझे ये कंप्लीट कर ही लेना है, अब मुझे कैसे भी करना है। आप ऐसे सोचेंगे, इतना तेज आप पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे कि आपको हर एक टॉपिक बहुत जल्दी तैयार होता है। अब उस समय के बाद दिमाग ना भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब जान जाता है कि अरे यार ये तो बड़ा ढीठ है, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, ये पढ़ के ही दम लेगा, तो आपका दिमाग भी अपने आप को ऐसे ही बना लेता है। तो आप करके देखिए ना, अगर आपको ना फायदा हो तो फिर कहिएगा। तो अपने आप को बदलना बहुत ही मतलब आसान काम है, बस आपकी सोच पर डिपेंड करता है। और किताबों को इस तरह से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका इंटरेस्ट जगेगा, घंटों पढ़ेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।